नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं अपना खुद का प्यारा चैनल एके टेक वीडियोस। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अडोब फोटोशॉप में पासपोर्ट साइज फोटो कैसे निकाल सकते हैं, उसका आपने साइज कैसे लेना है। इस बात में आज मैं आपको पूरी डिटेल में मैं बताऊंगा और आपको समझाऊंगा कि आपने किस साइज में फोटो लगानी है और आप कितनी फोटो कैसे निकाल सकते हैं। और दोस्तों इसके लिए आपको जो पीसी में अडोब फोटोशॉप होना चाहिए, मैं 7.0 वर्जन यूज़ करता हूं और कुछ लोग 6.0 वर्जन यूज़ करते हैं। तो आप कोई भी आप अडोब फोटोशॉप का वर्जन ले लीजिए, उसको आपने ओपन कर लेना है। और दोस्तों इस तरह से देखिए ओपन हो चुका है और यहां पर आपको साइज लेना है, यहां पर न्यू टैब पर चले जाना है और यहां पर आपको साइज लेना है 1.25, यहां पर इंच आपने लेने हैं और यहाँ पर जो विड्थ 1.25 इंच और हाइट 1.52 इंच आपको लेने हैं। और यहाँ पर रेजोल्यूशन आप जो 200 या 300 दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर 300 लिख देता हूँ। और पिक्सल और इंच में आपको ये साइज लेना है और यहाँ पर मोड जो है आरजीबी कलर लेना है और यहाँ पर आपने वाइट रहने देना है और यहाँ पर आपको ओके कर देना है। और ये देखिए ये हमारा साइज बनकर सामने आ चुका है और यहाँ पर हम कोई भी फोटो यहाँ पर उठाकर इस पे लगाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी फोटो यहाँ से ले लेता हूँ और मैं उसको लगा देता हूँ। यहाँ पर मेरे यूजर में अजीत और यहाँ पर मेरे फोटो पड़ी है, मैंने डाउनलोड की हुई है। और मान लो कोई भी मैं मान लो किसी भी फोटो में इसी को ले लेता हूँ जैसे फोटो, और इसको मैं उठाकर इस पे ले जाता हूँ और इसको मैं जितना हमें साइज चाहिए मैं उतना इसको यहाँ पर बना लेता हूँ। और यहाँ पर ये आप सोचेंगे कि ये कैसे आया, तो यहाँ पर देखिए ये कंट्रोल टी हमने दबाया और इस तरह का आ गया जो जिसको आपने फोटो जिससे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। और एक बात ध्यान कीजिए, यहाँ पर आप सेंटर में लेकर यहाँ पे ऐसे नीचे ऊपर नहीं कर सकते क्योंकि इससे साइज खराब हो जाता है। और ये देखिए, और आपको हमेशा साइड में लेकर यहाँ पर शिफ्ट दबाकर ही आपको करना है। और मैं फिर से एक बार ले देता हूँ कंट्रोल टी और ये देखिए यहाँ पर मैंने और शिफ्ट दबाकर इसको नीचे किया और यहाँ पर शिफ्ट दबाकर यहाँ से ऊपर कर दिया और इधर से भी मैं पूरा साइज ले लेता हूँ। जितना आपको साइज चाहिए आप उतना ले सकते हैं। फिलहाल मैंने जैसे पासपोर्ट बनाने तो मैं इतना ही इसको रहने देता हूँ। और ये देखिए आप इसकी कलर कोरेक्शन कैसे भी कर सकते हैं, आपको यहाँ पर इसको लाइट करना है तो लाइट कर सकते हैं और यहाँ पर आप इसको अगर कंट्रास्ट देना चाहते हैं तो कंट्रास्ट दे सकते हैं। और यहाँ पर आप यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ भी आपने करना हो तो। और इस तरह से मैं इसको बना देता हूँ और यहाँ पर मैं देखिए फोटो यहाँ पर मक्खी है, मैं इसको उड़ा देता हूँ। यहाँ पर मैं स्टंप को ले लेता हूँ, इसको स्टंप को ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। और स्टंप लगाने के लिए मैं आर्ट का यूज़ करूँगा, आर्ट को क्लिक करके जहाँ से मैं क्लिक करूँगा और वहीं पर स्टैंप उठाकर यहाँ पर लगा देगा और यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों इसकी जो और फीचर है उसके बारे में मैं एक और वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैं आज पासपोर्ट साइज की बात कर रहा हूँ कि मैं हमने पासपोर्ट साइज फ़ोटो कैसे बनाने हैं। तो ये देखिए हमारा पासपोर्ट साइज फ़ोटो बन चुका है और अब इसको आपने साइज किस मान लो आपने अगर चार फोटो निकालने हैं तो आप इसको 4-6 के साइज में इंच की जो शीट होती है आप उसमें लगा सकते हैं, वरना आप यहाँ पर कंट्रोल एन मतलब आप यहाँ से आप न्यू फाइल लेंगे, यहाँ से कंट्रोल एन मैंने शॉर्टकट की अपनाई है। और यहाँ पर मैं जो हमारी A4 साइज होता है मैं उसको ले लेता हूँ, वो 8-12 इंच का होता है और यहाँ पर ओके कर देता हूँ। और यहाँ पर ये फोटो इसको मैं कंट्रोल ए करके आर सेलेक्ट किया और कंट्रोल सी करके कॉपी किया और यहाँ पर कंट्रोल वी कर रहा हूँ और मैंने पेस्ट कर दिया। ये वाइट दिख रहा है तो मैं यहाँ पर इसको स्टॉक लगा देता हूँ और यहाँ पर 3 ही रहने देता हूँ। और ये देखिए इसका मतलब ये है कि एक से आप बॉर्डर बन जाता है
और इसको मैं कंट्रोल टी करके शिफ्ट दबा के यहाँ पर मैं घुमा देता हूँ। और यहाँ पर देखिए आपने कितनी फोटो लगानी है, यहाँ से आप लगा सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर आल्ट दबाकर आपको यहाँ से प्रेस करते हुए आगे खिसकाना है और ये फोटो बन जाएगी, और छोड़ना नहीं है, यहाँ पर आपको छोड़ देना है और फिर आल्ट दबाकर आगे खिसकाना है और एक फ़ोटो और बन जाएगी। और इस तरह से आप जितनी चाहो फोटो बना सकते हैं। और यहाँ पर मैं 5 लगा देता हूँ फोटो। और इस तरह से आपने ये फ़ोटो को आप जो प्रिंट कर लेना है, ऐसी आप शीट भी बना सकते हैं। इसके आगे वाले जो वीडियो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपने सिर्फ एक क्लिक करेंगे और अपनी शीट कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों इंतज़ार कीजिए मेरे आने वाली वीडियो, जिसमें आपको मैं बताने वाला हूं कि एक शीट आप एक सेकंड में कैसे बना सकते हैं। और दोस्तों आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ में बेल का आइकन दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।